और आइए बात करते हैं कोरोना के हॉट अटैक की। जी हाँ, कोरोना से लड़ते हुए हमें एक साल हो गया है, लेकिन इस बार मौसम ने इस लड़ाई को थोड़ा मुश्किल बना दिया है। फरवरी में दिल्ली में गर्मी का 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 15 साल बाद फरवरी में पारा 32 डिग्री के पार गया है। मौसम की ये बिगड़ी हुई चाल हमारे और आपके लिए सिर्फ मौसम की जानकारी नहीं, बल्कि परेशानियों का अनचाहा पैकेज है। क्योंकि एक तरफ कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से फैल रहा है, तो दूसरी ओर फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी एक नई मुसीबत लेकर आई है। देखिए, कोरोना के दौर में मौसम के 32 डिग्री टॉर्चर पर ये खास रिपोर्ट। गर्मी बड़ी, पहले ठंडी थी बहुत, अभी फिलहाल 2-3-4 दिनों से तो ज़्यादा गर्मी भी बढ़ी है। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है हमको। मुंबई कर जो है जुहू बीच का सहारा ले रहे हैं, जहाँ पे मुंबई कर यहाँ आके ये भीषण गर्मी से पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैकेट पहन के निकले थे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो सबको जैकेट वगैरह सब कुछ उतार दिया हमने। मौसम का हॉट अटैक, 15 साल का रिकॉर्ड टूटा। फरवरी में 32 डिग्री टॉर्चर। मौसम का मूड क्यों खराब? फरवरी में चढ़ते पारे की पड़ता। दिल्ली एनसीआर में अचानक बढ़े तापमान की वजह से सर्दी समय से पहले ही खत्म होने की राह पर है। फरवरी में दिल्ली और नोएडा में 32 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी पड़ने लगी है। इसके अलावा मुंबई में भी तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी दिल्ली से मुंबई तक फरवरी में ही मार्च जैसी गर्मी पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली में एक हफ्ते से बढ़ रहे तापमान ने 24 फरवरी को 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अब मौसम ने भी अपना सबसे खतरनाक रंग दिखाया है। दिल्ली में फरवरी के महीने में गर्मी ने 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश की राजधानी में पारा 32 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है और मौसम के इस बदले मूड का असर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि फरवरी के महीने में 32 डिग्री सेल्सियस वाली ये गर्मी कई अहम संकेत दे रही है। फरवरी में दिल्ली को सता रही 32 डिग्री वाली गर्मी की पड़ताल से पहले कुछ तस्वीरों पर गौर कीजिए। पारा चढ़ते ही लोगों के स्वेटर गायब हो गए हैं, लोग टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। फरवरी में पसीना पोंछने की नौबत आ गई है। तेज धूप और गर्म मौसम से राहत पाने के लिए आइसक्रीम खा रहे हैं। अभी फिलहाल 2-3-4 दिनों से तो ज़्यादा गर्मी भी बढ़ी है और हीट दोपहर के टाइम ज़्यादा रहती है और शाम को फिर से थोड़ी ठंडी निकलने लग जाती है। हवामान बदल रहा है दिल्ली का फिलहाल तो। हाँ। दिल्ली में आज बहुत गर्मी ज़्यादा है, कल के मुकाबले आज ज़्यादा है। हम घर से घूमने के लिए निकले थे स्वेटर वो लेके, लेकिन हमको सब यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ रहा है। मैं निकला था तो थोड़ी सर्दी थी, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जैकेट उतारना पड़ा मुझे। तो अभी टेम्परेचर में बहुत बदलाव आ रहा है, अचानक से गर्मी तेज हो गई है। गर्मी ने अचानक फरवरी में दस्तक क्यों दी, इसकी पड़ताल के लिए मौसम वैज्ञानिकों का रुख करते हैं। 24 फरवरी को दिल्ली का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री दर्ज किया गया, ये सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा था। 24 फरवरी 2021 का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। 15 साल में पहली फरवरी में दिल्ली का तापमान 32.5 डिग्री तक पहुंचा है। इससे पहले 26 फरवरी 2006 को दिल्ली का तापमान 34.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। लंबे समय से मैदानी क्षेत्रों में बिल्कुल वर्षा नहीं थी। पश्चिमी विक्षोभ जो थोड़े बहुत आए भी, हालांकि एक के बाद एक आते रहे, पर वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं थे। सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में, वो भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में छुटपुट देकर सिस्टम आगे को निकल गए। और चूंकि एक निकला और दूसरा पीछे से आ गया, तो विंड पैटर्न जो सामान्यतः बदलता है और ठंडी हवाएं पहाड़ों से आती, वो नहीं आई। तो पश्चिम की हवाएं रहीं और उनकी में भी स्पीड नहीं थी ज़्यादा, और जो वो लेके आ रही थी अपने साथ गर्मी ही लेके आ रही थी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 48 घंटों में जम्मू कश्मीर और कुछ पहाड़ी इलाकों में बारिश और मौसम में बदलाव की संभावना है। इसका असर दिल्ली पर भी पड़ेगा, लेकिन गर्मी से राहत मिलने का अनुमान कम ही है।
दिल्ली में सूरज निकलते ही मौसम गर्म हो जाता है, दिन भर उमस रहती है और जिससे हवा में नमी का स्तर 90% से ज़्यादा रहता है। मौसम की ये बदली तस्वीर सामान्य नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ खास तरह के बदलाव मौसम में नोट किए गए हैं। ऐसे में पर्यावरण में ये बदलाव सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती, इसके पीछे कुछ खास कारण बताए जा रहे हैं। दिल्ली में फरवरी के महीने में 15 साल का रिकॉर्ड टूटना मौसम वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ, ये भूमध्य सागर में चक्रवातों के रूप में उत्पन्न होता है। ये डिस्टर्बेंस वायुमंडल में नमी वाली हवाओं को तेज रफ्तार से बढ़ाता है। ये सर्दियों में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रभावी रहता है, भारी बारिश और बर्फबारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर है। 2020 में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर था, इसकी वजह से पिछले साल भी गर्मी जल्दी पड़ने लगी थी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर हो तो तेज हवाएं नहीं चल पाती, ऐसे में मौसम में बदलाव की संभावना काफी कम रहती है। हवाएं न चलने से आसमान साफ रहता है, आसमान साफ रहने से धूप तेज रहती है और तापमान बढ़ता है। काफी लंबे समय से देख रहे हैं, एक तो पश्चिमी विक्षोभ तो आ रहे हैं, एक के बाद एक आते जा रहे हैं, मगर वो इतने ज़्यादा मतलब जिसे कहें कि इफ़ेक्टिव नहीं है कि वो मतलब कि या कमज़ोर हैं। वो ऊपर तो छुटपुट दे दे रहे हैं पहाड़ में, वो भी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में, पर नीचे वाले क्षेत्र में उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। एक दूसरी बात, उसके बाद अक्सर क्या होता है, जब पश्चिमी विक्षोभ चले जाते हैं तो उसके बाद पहाड़ों से उत्तरी या उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएँ आती हैं, वो भी देखने को नहीं मिल रही, उनकी स्पीड भी नहीं है। हवाएं जो आ रही हैं या तो पश्चिम से आ रही हैं, और पश्चिम तो हमारे राजस्थान है तो वहाँ तो थोड़ा गर्म रहता ही है, तो ये मुख्यतः कारण है कि क्योंकि ठंडी हवाएं नहीं हैं। दिल्ली में फरवरी में पड़ रही 32 डिग्री वाली रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद अब मुंबई का रुख करते हैं। मुंबई में फरवरी के तीसरे हफ्ते में ही लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। मुंबई का पारा पिछले कुछ दिनों से 35 से 36 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। मुंबई के लोग फरवरी में बेमौसम गर्मी से राहत पाने के लिए समुद्र तट का रुख कर रहे हैं। के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने मिल रहा है, जहां फरवरी 22 को मौसम विभाग ने 36 डिग्री से ज़्यादा का तापमान नोट किया था, वहीं मुंबईकर जो है जुहू बीच का सहारा ले रहे हैं, जहां पे मुंबईकर यहां आके ये भीषण गर्मी से पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ लोग आपको नहाते हुए भी दिख रहे हैं और इस भीषण गर्मी से जो है वो पार पाते हुए दिख रहे हैं। मुंबई में मौसम विभाग के मुताबिक यहां 15 फरवरी तक सर्दी का मौसम रहता है, उसके बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ता है, लेकिन इस बार तीसरा हफ्ता शुरू होते तापमान अचानक 36 डिग्री तक पहुंच गया। आने वाले दिनों में गर्मी और धूप बढ़ने के आसार हैं। बहुत ज़्यादा फरवरी 15 तक हम लोग देख सकते हैं कि जो ठंडी महसूस की जाती है, अभी वो ठंडी खत्म होने जा रही है। मुंबई में जनवरी और फरवरी के महीने ही सिर्फ ठंडी के दिन माने जाते हैं, और अभी जो आ रहा है 24-25, इसका मतलब है कि हम लोग ठंडी खत्म होके हम लोग ग्रीष्म ऋतु की तरफ जा रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर भारत में अगले 5 दिनों में मौसम में कुछ बड़े बदलाव होने की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी है। 27 फरवरी तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओले पड़ने की आशंका है। फिलहाल मौसम बता रहा है कि उसका मिजाज बिगड़ा हुआ, दिन भर तेज धूप और सुबह शाम हल्की सर्दी से सावधान रहना होगा, क्योंकि ये मौसम का डबल गेम है जो सीधे लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए फरवरी में पड़ रही गर्मी से जरा संभल कर। और क्या आप जानते हैं कि जब मौसम बदलता है तो उस दौरान हमेशा हमें सतर्क रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि बदला हुआ मौसम अपने साथ बीमारियां लाता है। ये वो दौर होता है जब वायुमंडल में कई तरह के मौसमी बदलाव होते हैं और ये बदलाव सीधे हमारे शरीर पर असर डालते हैं। और इस वक्त सुबह और शाम को ठंड का मौसम होता है, जबकि दिन भर काफी गर्मी रहती है। मौसम का ये अंदाज हमारे शरीर की इम्यूनिटी को प्रभावित करता है, और अपनी इम्यूनिटी को लेकर हम फिलहाल कोई रिस्क लेने की हालत में बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए फरवरी में बदलते मौसम की मेडिकल जांच वाली ये रिपोर्ट आपको देखना बेहद जरूरी है। वायरस के सीजन में वायरल फीवर,
मौसम की चाल बिगाड़ेगी हाल। वायरस और वायरल का फरवरी कनेक्शन, पल पल बदलता मौसम बीमारियां साथ लेकर आता है। फरवरी में जिस तरह दिन भर गर्मी पड़ रही है और सुबह शाम कुछ घंटों तक सर्दी होती है, उसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। मौसम में होने वाले बदलाव को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे मौसम में वायरल बुखार जल्दी हो जाता है। कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। इन्फेक्शन फैलने का खतरा ऐसे वक्त में बढ़ रहा है जब मौसम हमारी सेहत के अनुकूल नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि मौसम में अचानक बढ़ रही गर्मी और सुबह शाम की ठंड से वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा तेजी से सक्रिय होकर फैलता है। ऐसे में लोगों को मौसम के हिसाब से नहीं, वायरल और कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के हिसाब से चलना होगा। 2020 में जनवरी के आखिरी हफ्ते में भारत में कोरोना वायरस के केस आने लगे थे। तब देश में कोरोना की शुरुआत थी, लेकिन कोरोना से लड़ते हुए एक साल हो गया है, यानी वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या लाखों में है। मुंबई, दिल्ली, पंजाब, केरल में कोरोना इन्फेक्शन के केस चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं। इस बीच फरवरी में उत्तर भारत में दिन भर गर्मी और सुबह शाम की ठंड वाला मौसम लोगों की इम्यूनिटी पर असर डाल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक जब मौसम बदलता है तो पर्यावरण अनहेल्दी हो जाता है। ऐसे मौसम में वायरल बुखार आसानी से हो जाता है, क्योंकि अचानक बदलते मौसम के हिसाब से शरीर तालमेल नहीं बैठा पाता, लिहाजा सांस संबंधी बीमारी जल्दी पकड़ लेती है। खांसी, बुखार, सिर दर्द जल्दी हो जाता है। बदले मौसम में थकान भी जल्दी होती है। ऐसे में वायरल बुखार होते ही इम्यूनिटी कमजोर पड़ने लगती है। कमजोर इम्यूनिटी कोरोना के दौर में खतरनाक है। नंबर एक, नया म्यूटेशन आया और वो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है या डिलीशन म्यूटेशन है और RBM का म्यूटेशन है, तो वो ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा। नंबर दो, वहाँ पे कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए कि लोग बिना मास्क के, बिना दूरी बनाए एक दूसरे के साथ में मिल रहे हैं। तीसरा, अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट होना चाहिए, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो पुअर वेंटिलेशन हो, उस सिचुएशन के अंदर में ये बीमारी फैल सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक फरवरी में जिस तरह मौसम ने रुख बदला है, उससे भले ही लोग सर्दी से थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब सुबह और शाम के तापमान में बड़ा बदलाव जारी रहता है तो उससे पर्यावरण में कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस सक्रिय हो जाते हैं, यानी पर्यावरण में दूषित कणों की मात्रा बढ़ जाती है। ये दूषित कण हमें कई तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बैक्टीरिया जमीन, हवा और पूरे वायुमंडल में रहते हैं। इस दौरान छींकने या खांसने पर शरीर से निकले हुए कण काफी देर तक इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से सक्रिय रहते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस और वायरल फीवर से बचने के लिए दोहरी तैयारी रखनी है। ऐसे में खाने पीने से लेकर रहन सहन तक में ज्यादा सावधानी बरतने के अलावा उन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, क्योंकि इस मौसम में कमजोर इम्यूनिटी वालों को वायरल अपनी गिरफ्त में जल्दी ही ले लेता है। कोरोना के इस दौर में वायरल से पीड़ित होना भी एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। कोरोना से लड़ाई के दौरान सबसे ज्यादा जोर इम्यूनिटी पर रहता है, क्योंकि खांसी, छींक या बुखार जैसी छोटी चीजें कोरोना वायरस के दौर में बड़े खतरे को आमंत्रण दे सकती हैं। इसलिए हल्दी, तुलसी, काली मिर्च और गर्म पानी का इस्तेमाल कुछ हफ्तों तक जारी रखना बेहतर होगा। डॉक्टर्स के मुताबिक ये वायरल बुखार और कोरोना वायरस दोनों से लड़ने में मदद करेगा। जो बेसिक बीमारी आएगी वो हीट क्रैम्प, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक। हीट एग्जॉस्ट, हीट क्रैम्प का मतलब है आपको बटियान आपके हाथ में बाटे आ रहे हैं और बाटे के कारण से आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, उसमें आप नींबू पानी लेंगे यानी कि शिकंजवी लेंगे, ठीक हो जाएंगे। दूसरा है हीट एग्जॉशन, बाटों के साथ साथ आपको बुखार भी आ रहा है और पसीना भी आ रहा है, यहाँ पर भी आप खूब ज़्यादा फ्लूइड लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। और तीसरा है हीट स्ट्रोक, यानी कि इतनी ज़्यादा आपका हीट एक्सपोजर है कि आपकी बाजू भी सूख गई है और उसका आपसे टेम्परेचर बढ़ना चालू हो गया है। सबसे कॉमन इसमें हीट क्रैम्प है एंड हीट एग्जॉशन है। इन्हीं दो चीजों से आप सावधान रहिए।
फरवरी में अचानक बदलते मौसम के मद्देनजर खुद को छोटे मोटे बुखार से भी बचाना जरूरी है, क्योंकि मौसम में बदलाव सीधे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। इसलिए इम्यूनिटी को बढ़ाना है और बदलते मौसम में वायरस और वायरल फीवर से बचना है।